देख सकते हो ये सब अनपढ़ इंसान जेब्रा क्रॉसिंग में खड़े हैं गाइस। मतलब क्या बोलूँ, कोई कॉमन सेंस ही नहीं है ट्रैफिक का। ये जेब्रा क्रॉसिंग है तो जेब्रा क्रॉसिंग के हमें आगे ही खड़ा रहना चाहिए। ये इंसान को देखो, मतलब जेब्रा क्रॉसिंग के सामने खड़ा है। गाइस जैसा कि आपने देखा, सामने ही होता है मस्त वाला पुलिस चेकिंग, और थोड़ा सा बीच के नीचे से जाएंगे। मतलब ऐसे ही बोलते तो थोड़ा सा सिटी सेंटर का रूट्स में घूम रहे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीआरबी डीजीपी और वेलकम टू माय फ्रेश न्यू वीडियो। सो गाइस, जैसे ही आज को शाम को थोड़ा सा निकल पा रहे हैं आप लोगों के लिए बनाने फ्रेश न्यू मोटो व्लॉग। तो गाइस, शाम को मैं पहले ही बता देता हूँ, अपने आपको बहुत मुश्किल से फ्री किया हूँ ताकि आप लोगों के लिए आ सके एक फ्रेश न्यू व्लॉग। सो ऐसे ही थोड़ा सा चल रहा है अपना स्ट्रीट्स में आप लोगों के लिए वीडियो शूट करने। तो गाइस, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो गाइस प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, ताकि आपको मेरे चैनल का लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन कंटिन्यूसली मिलता रहे। और जैसा कि देख सकते हो, साइड में मेरा फ्रेंड जा रहा है, लेकिन आज को मेरे साथ शॉर्ट इवनिंग राइड पर मेरे साथ है, हो सकता है जा नहीं पा रहा है, ठीक है, मेरे को ज्वाइन नहीं कर पा रहा, क्योंकि उसका भी भाई काम है ना भाई, अब हम लोग बड़े हो चुके हैं, आज को मेरा टाइम है तो उसका नहीं है, उसका टाइम है तो मेरा नहीं है, यही तो लाइफ का रूल है गाइस, और इसी में हमें जीना है। तो ऐसे ही देख सकते हो, वीडियो करते करते हम लोग पहुँच चुके हैं आपका फुलजोर मोर, और यहाँ से प्यार से जाएंगे। सो गाइस, जैसा कि देख सकते हो, ऐसे ही स्ट्रीट्स में चल रहे हैं और बस व्लॉग बनाने का प्रक्रिया शुरू है। और जैसा कि देख सकते हो, सामने आ चुका है हम लोग स्वामी विवेकानंद स्टैचू B2 के, जो सीधा रास्ता से आता है, और बाइक फिफ्थ गियर में तो एक ड्रॉप करना पड़ेगा, बहुत ही कंपल्सरी है गियर ड्रॉप करना। और ये जो गाइस MMC वाला रोड है ना, बहुत ही मतलब सेक्सी सा रोड है बोल सकते हो, मतलब मस्त कर्व है और पूरा मतलब झक्कास रोड है, और ऐसे करके आप लोग जा सकते हो, नॉर्मल है, वैसी कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। और MMC वाला रोड इधर में जो मैं जिस मतलब बोल सकते हो, मैं सिटी सेंटर जो जा रहा हूँ ऐसे ही टहलने, उस स्ट्रीट्स के अंदर से जा रहा हूँ, है ना, तो मतलब बोल सकते हो स्ट्रीट्स के अंदर से, मतलब मेन रोड से नहीं जा रहा हूँ, तो मैं सिटी के अंदर से जा रहा हूँ। जो लोग दुर्गापुर से, उन लोगों को पता होगा कि B2 से स्वामी विवेकानंद स्टैचू के सामने से जो जाता है वो रोड से जा रहा हूँ। जंक्शन एक वो जगह है गाइस, जो कि बोल सकते हो हमारा दुर्गापुर का जान है, क्योंकि कुछ भी हो जाए, कुछ भी ओकेजन फेस्टिवल हो, वहाँ तो जाना ही है हर एक इंडिविजुअल जो दुर्गापुर में रहते हैं, स्पेशली बच्चे, यूथ, स्कूल गोइंग स्टूडेंट, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट, ये सब तो जाते ही हैं। और यहाँ पे जैसे देख सकते हो, लेफ्ट हैंड साइड में बच्चे खेल रहे हैं। देखिए, देख ही सकते हो, ये थोड़ा सा मतलब सिटी के अंदर से तो एक यही जगह है जहाँ पे बोल सकते हो थोड़ा सा जाम लग जाता है, अदरवाइज अंदर वाला रास्ता भी मतलब उतना जाम नहीं लगता है ट्रैफिक जाम, बस यही रोड पे थोड़ा सा ट्रैफिक जाम लग सकता है, बाकी और कोई रोड पे उतना ट्रैफिक जाम नहीं लगता है। देखिए तो सिटी सेंटर के इस साइड में रोड कितना मस्त है यार, रोड ऑसम है, मतलब बोल सकते हो पूरा मतलब मस्त रोड है। सिक्स गियर में क्रूज कर रहा हूँ, 58, 60 का स्पीड, स्वीट स्पॉट फॉर NS 200 इन द सिटी। और गाइस, ये जो राइडिंग है ना गाइस, मतलब एक अलग अलग टाइप का स्पोर्ट बनते जा रहा है, मतलब राइडिंग और बाइकिंग इतना जल्दी ग्रो कर रहा है ना गाइस, मतलब हमारे सिटी दुर्गापुर में, मतलब हमारे सिटी में ही नहीं, मतलब ऑल ओवर इंडिया में भी बाइकिंग और राइडिंग 2-3 साल से इतना ज़्यादा ग्रो कर रहा है ना गाइस, की क्या बोलूँ मुझे खुद ही, मैं तो पहले से ही मुझे बचपन में मुझे बाइक्स और कार्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो अच्छा हुआ कि बाइकिंग में मुझे जितना मैं एज मतलब मेरा एज जब बढ़ा तो मैं, अच्छा हुआ कि मैं इधर में आ गया और यही सब में चीज एक्टिविटीज़ में मेरा मन लगने लगा। और ये है बोल सकते हो सिटी सेंटर का बस स्टैंड, अब इसके अंदर से जाएंगे, अब यहाँ पे आपको देख सकते हो मिल जाएगा पब्लिक रिएक्शंस। और ये सिटी सेंटर का मेन बस स्टैंड वाला एरिया है गाइस, अब थोड़ा सा जंक्शन के साइड में जाएंगे, आपको थोड़ा सा वीडियो करके दिखाएंगे। अब यहाँ पे पता नहीं, और सामने गाइस होता है पुलिस चेकिंग।
डीजीपी। गाइस जैसा कि आपने देखा सामने ही होता है मस्त वाला पुलिस चेकिंग, और थोड़ा सा बीच के नीचे से जाएंगे, मतलब ऐसे ही बोलते तो थोड़ा सा सिटी सेंटर का रूट्स में घूम रहे हैं, थोड़ा मस्ती भी कर रहे हैं। रेप वर्म करेगा ब्रिज में, मजा आया। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। गाइस थोड़ा सा मैंने बाइक को एक्सेलरेट कर लिया हार्ड एंड फास्ट, तो आपने देखा होगा कि वीडियो में कि पूरा मेरा चारों साइड कोई नहीं था, तो मैंने थोड़ा सा अपने आप को दिल खोल के थोड़ा सा बाइक भगा लिया गाइस। और चलो थोड़ा सा सामने वाला पेट्रोल पंप में थोड़ा सा हवा भी चेकअप करवा लेते हैं, क्योंकि हवा चेकअप करना भी जरूरी है। और देखते हैं गाइस कि यहाँ पे हवा चेकअप मशीन है कि नहीं। और NH-200 का पुल देख के ना गाइस मजा आएगा, दिल से खुशी आ गया कि गाइस कि कितना अच्छा काम किया मैंने NH-200 चूज़ करके। और ये पेट्रोल पंप पे आए हैं, थोड़ा सा शाम को अपना बाइक का हवा भी चेक करवा लेंगे। हवा स्टेशन, फ्यूल स्टेशन, हेलमेट। 1 hour later मैंने 38 PSI दिया तो है, पता नहीं, देखते हैं। बाइक पूरा हीट भी हो चुका है गाइस, और जस्ट देखते हैं हवा खुद ही करना होगा। आज पेट्रोल वाले भैया शायद अवेलेबल नहीं है। अरे यार डिस्प्ले बहुत ही ज़्यादा गर्म है। ऐसा गाइस अकेले ही हवा भरना पड़ा, पेट्रोल में कोई हवा भरने वाला था नहीं, तो चलो अब इसको यहाँ पे रख देते हैं और अपना राइड कंटिन्यू करते हैं। और गाइस जैसा कि देख सकते हो मेरा प्यार मेरा लाइट पे मैंने क्लॉक कर दिया 11,000+ किलोमीटर्स। सो गाइस एक अलग सा ही, मतलब बोल सकते हो बाइकर्स के लिए एक अचीवमेंट होता है अपना बाइक पे किलोमीटर क्लॉक करना। कब एक दिन मैं भाई अपना बाइक पे ऑल इंडिया ट्रिप कर पाऊंगा गाइस, ये ड्रीम है, ड्रीम को फुलफिल करना ही हर एक इंडिविजुअल का काम होता है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। और जैसा कि देख सकते हो ये सब अनपढ़ इंसान जेब्रा क्रॉसिंग में खड़े हैं गाइस, मतलब क्या बोलूँ, कोई कॉमन सेंस ही नहीं है ट्रैफिक का। ये जेब्रा क्रॉसिंग है तो जेब्रा क्रॉसिंग के हमें आगे ही खड़ा रहना चाहिए। ये इंसान को देखो, मतलब जेब्रा क्रॉसिंग के सामने खड़ा है। अरे यार क्या बोले यार। चलो कोई नहीं, बाइक को पहले न्यूट्रल कर लेते हैं और ऑफ करते हैं, क्योंकि सेव फ्यूल सेव एनर्जी। और जैसे देख सकते हो इंसान ट्रैफिक तोड़ने जा रहा था, अभी एक्सीडेंट हो जाता तो क्या बोलेगा। जैसा कि देख ही सकते हो ये इंसान है खड़ा है, जैसे देख सकते हो इंसान खड़ा है ट्रैफिक मतलब जेब्रा क्रॉसिंग में ही खड़ा है। कैसा, मतलब आप समझ ही सकते हो मैं फीलिंग्स में क्या बोलना चाहता हूँ, नहीं बोलना चाहता हूँ। A few inches later. तो गाइज हम लोग पहुंच चुके हैं, जैसा कि आप वीडियो फ्रेम में देख ही पा रहे होंगे कि यहाँ पे हमारे बापू नेशन ऑफ फादर गांधी जी खड़े हैं, और इनका बोर्ड सामने लगा हुआ है, वो है वेलकम टू दुर्गापुर स्टील प्लांट। तो यहाँ से दुर्गापुर स्टील प्लांट का बोल सकते हो क्वार्टर और इंडस्ट्री शुरू होता है। सामने जैसा कि देख सकते हो गाइज टाइमर चल रहा है 35 सेकेंड, तो अभी 30 सेकेंड तक रुकना ही पड़ेगा सिग्नल पर, कोई उपाय नहीं है। 3, 2, 1 गेट सेट एंड रन द गेम। तो गाइस अगर आपको मेरा ये वाला स्मॉल संडे इवनिंग राइड इनटू द स्ट्रीट्स ऑफ सिटी सेंटर अच्छा लगा है तो गाइस प्लीज़ डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना। और ये आपने वीडियो में देखा ही होगा कि मैं ट्रैफिक सिग्नल पे खड़ा था गाइस, मतलब बोल सकते हो जेब्रा क्रॉसिंग के पहले मैं खड़ा था और कुछ कुछ लोग जेब्रा क्रॉसिंग पे ही खड़े थे। तब समझ सकते हो कि इंडियन माइंडसेट में क्या बोलूं मैं हमेशा बोलता हूं कि इंडियन लोग का गाइस ट्रैफिक का सेंस ही नहीं है। कौन जेब्रा क्रॉसिंग पे खड़ा होता है गाइस, मतलब लोग का मतलब जो रास्ता के लोग हैं पेडेस्ट्रियन है वो कैसे क्रॉस करेंगे। तो आपने वीडियो में देख ही लिया होगा कि एक इंसान और बहुत सारे इंसान मतलब बोल सकते हो मतलब जेब्रा क्रॉसिंग पे जाके सिग्नल पे खड़े, तो इसका कोई मीनिंग ही नहीं है और मैं तो पीछे ही खड़ा था। क्या बोलूं, छोड़ो ये सब का बात हटाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो गाइस प्लीज़ लाइक करना, एंड होप करता हूं कि मैं अपना बेस्ट देने का ट्राई कर रहा हूं हर एक वीडियो पे, आप लोग बस लव सपोर्ट करो। तो चलो साइनिंग ऑफ फ्रॉम माय टुडेज़ व्लॉग। सो गाइस राइड सेफ, राइड हार्ड, अर्न मनी, बी हैप्पी, चेज़ योर डिमांड, मेक अदर्स हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, एंड मैं सोशल मीडिया हैंडल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से जाकर मुझे फॉलो भी कर सकते हो। और एक चीज़ बोलूँगा, ऑलवेज वेयर योर राइडिंग गियर हेलमेट, एक प्रॉपर ISI मार्क वाला हेलमेट तो पहनो और सेफली ड्राइव करो, ओबे ट्रैफिक रूल्स, हर एक रूल्स को फॉलो करो रोड पे, फिर ही बाइक चलाओ और भगाओ। तो यही मैं बोलना चाहूँगा। चलो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड सी यू इन माई नेक्स्ट ब्लॉग।